वैसे शगुन के कंगन का एक जोड़ा तो मैं रिमझिम को ऑलरेडी पहना चुकी हूँ। अब दूसरा जोड़ा तुम्हारे लिए। ला, हाथ। क्या लगता है आपको, शक्ति मान जाएगी? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि शक्ति जो भी करेगी ना, वो सोच समझ के करेगी। हमने कहा ना कि हम ये शादी नहीं करना चाहते। तमीज से बात करो शक्ति। तमीज की बात तुम मत करो। तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके रखो, समझे? शक्ति, ये किस तरीके से बात कर रही है तू? वो हमारे मंगेतर है, उनका अपमान हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? दी, ये आदमी आपके मंगेतर कहने के लायक ही नहीं है। एक नंबर का झूठा आदमी है ये। अभी थोड़ी देर पहले ये हमसे शादी करने के बारे में बातें कर रहा था। नहीं रिमझिम, शक्ति सच कह रही है। हां, मैंने कॉलेज में शादी की बात की थी, लेकिन रिमझिम और मेरी शादी की बात। अरे उस वॉनबी से शादी नहीं करना चाहता हूं मैं, पसंद नहीं करता हूं उसे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं शक्ति, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं भला शक्ति से शादी क्यों करना चाहूंगा? आई थिंक शक्ति को कोई गलत फहमी हो गई, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में हमारे घरों में बहुत सारी गलत फहमियां हो रही हैं। आगे और ना हो, इसलिए आज मैं सब कुछ साफ साफ कहता हूं। शक्ति, मैं रिमझिम से बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और अब से नहीं, तब से जब से मैंने उसे पहली बार घाट पर देखा था। पर्सनली आपसे ये कहने आया हूं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर, आई लाइक यू।
इसीलिए मैं एक बार नहीं बार बार उसके पीछे गया सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं उससे एक बार बात कर पाऊं। हर बार जब भी मैंने उसे देखा जब भी मैंने उससे बात की मेरा प्यार और बढ़ता गया शक्ति। और मुझे यकीन हो गया कि रिमझिम और मैं एक दूसरे के लिए बने। हर बार जब वो घर आई जब हम मंदिर में मिले हमेशा तुम रिमझिम से बहुत प्यार करती हो ना। रिमझिम से तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। शक्ति मैं तुमसे वादा करता हूं मैं रिमझिम को बहुत खुश रखूंगा कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस यू शक्ति। बिल्कुल विश्वास मत कीजिए ये झूठ बोल रहा है ये सिर्फ नाटक कर रहा थी प्लीज। बस शक्ति बस सब झूठ बोलते सब नाटक करते है ना कीर्तन भी रंजन भी सब। सब कोई तुझसे प्यार करते सब कोई तुझसे शादी करना चाहते हम तो किसी को पसंद नहीं आ सकते है ना। पचास हजार फॉलोअर्स हमारे लेकिन असली स्टार तो तू है ना और तू ही रहेगी। ऐसे ही लगता है ना तुझे क्या? तू तो हूर की परी है इस दुनिया की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर तू है। लायक है कि हर कोई हमें छोड़कर चला जाए और तेरे पीछे हर कोई मर मिटे है ना यही सोचती है ना तू। नहीं दी बस ये दीदी दीदी का नाटक बंद कर। तेरी हर हरकत तेरी हर आदत यही है। वो बहन है तुम्हारी देखो शक्ति तुम्हारी जो भी गलतफहमी है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पर क्या हम रिमझिम की खुशी के लिए इस बात को अभी इसी वक्त रफा दफा कर सकते सिर्फ रिमझिम के लिए मेरी रिमझिम के लिए। हाय मैं वारी जाऊं उसकी नजर उतारूं आज यकीन हो गया है कि ये मेरा ही बेटा है। जिस तरह से ये इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है ना अब ये गुण तो सिर्फ मंदिरा कश्यप के अंश का ही होगा। मेरा लाल मॉम शादी के लिए मान गई लेकिन मेरे घर वाले तभी मानेंगे जब तुम शिव भैया से शादी करने के लिए हाँ कहोगी। शक्ति अब मेरे और रिमझिम का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में प्लीज। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज प्लीज मान जाओ शक्ति
मैं अपने प्यार का वास्ता देता हूँ, मैं हमेशा रिमझिम को खुश रखूंगा, ट्रस्ट में मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्लीज मान जाओ शक्ति, प्लीज। हाँ शक्ति, प्लीज मान जाओ, प्लीज। मैंने घर वालों से बात करने की बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रहे। उनका मानना है कि दोनों बेटों की शादी एक साथ होगी। और वो ये भी सोचते हैं कि तुम शिव के लिए अच्छी हो, हमारे पूरे परिवार के लिए अच्छी हो, यहां तक कि तुम रिमझिम को भी संभाल लोगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवार वालों को लगता है कि रिमझिम थोड़ी सी बचकानी है, थोड़ी इमैच्योर है। शायद घर परिवार को संभाल नहीं पाएगी। प्लीज शक्ति, मेरे बेटे के लिए मान जाओ। अगर इसकी शादी रिमझिम से नहीं हुई तो वो मर जाएगा। और शक्ति, प्रॉब्लम ही क्या है? शिव भैया इतने अच्छे तो हैं। सिर्फ अच्छे नहीं, शिव बेस्ट है, सच में बेस्ट है वो। पूरे परिवार से प्यार करता है वो, सबको साथ लेकर चलता है। और पता है मनोरमा जी, जिससे प्यार करता है ना, उसे अपने सर पे बिठा के रखता है वो। शक्ति, अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, वो इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन है। पूरे काशी में उनसे हैंडसम लड़का कोई और नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और तुम्हें तो पता है, तुम उनकी फ्रेंड हो, तुमने तो देखा होगा, वो जिसे अपना कह देते हैं उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है वो। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबकी इज्जत करता है, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। मनोरमा जी विश्वास कीजिए, शक्ति बहुत खुश रहेगी हमारे घर में, पलकों पे बिठा के रखेंगे हम उसे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन सिर्फ कीर्तन और रिमझिम का। शक्ति शिव के साथ शादी करना चाहती है कि नहीं, ये शक्ति का निर्णय होगा। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं रिमझिम, मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की थी, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं मेरी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करूं। अरे ऊपर से ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं शक्ति को उसकी शादी उसकी मर्जी से करने दूं। मेरे लिए एक नियम और मेरी बेटी के लिए दूसरा नियम, ये कैसी बात हुई? ऐसा दोगलापन मैं नहीं कर सकती, समझे ना?
अगर शक्ति नहीं चाहती कि उसकी शादी शिव से हो तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं करूंगी। अरे कोई गाय नहीं है किसे खींच के खूटी से बांध दी उसे। लेकिन मनोरमा जी, याद है मुझे यही ने कि रिमझिम और कीर्तन की शादी तभी हो सकती है अगर शिव और शक्ति की शादी हो। पर मनोरमा की ये समझ में नहीं आया कि ये कैसी शर्त है। और जो रिश्ता शर्त पे बनता है ने वो ज्यादा लंबा नहीं चलता। हम शादी करेंगे, अरे धूमधाम से करेंगे, हमारी हैसियत से बढ़ के करेंगे, पर सिर्फ रिमझिम और कीर्तन की शादी। लेकिन चाची जी, नहीं सकती। अगर मेरे लिए तेरी मर्जी मायने रखती है तो रिमझिम की मर्जी भी उतना ही मायने रखती है। अगर मैं तेरी मर्जी के खिलाफ जाके डॉक्टर शिव के साथ तेरी शादी नहीं करूंगी तो रिमझिम की मर्जी के खिलाफ जाके उसका और कीर्तन का रिश्ता भी मैं नहीं तोड़ूंगी। तू डॉक्टर शिव से शादी नहीं करना चाहती, ठीक है, तेरी जिंदगी है, तेरी मर्जी है, जो चाहे कर। पर अगर रिमझिम कीर्तन के साथ शादी करना चाहती है तो वो उसकी जिंदगी है, वो जैसे चाहे वो जी सकती है। न मैं तुझ पे जबरदस्ती करूंगी और न ही रिमझिम पे। सही कह रही हो मम्मी आप। मम्मी जी, ये शक्ति का तो दिमाग खराब हो गया है, जो डॉक्टर शिव जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ रही है। उसे रहने दीजिए, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम सारी जिम्मेदारियां उठा लेंगे। सच में ये शक्ति की तो बस हवा ज्यादा बन गई है। बचपन से तो हमने ही सारे काम किए, ये तो बस पढ़ते रहती थी, है ना मम्मी? बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार, सबको साथ में लेके चलना, हम सब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अगर घर वाले बोलेंगे ना तो हम रील बनाना भी छोड़ देंगे, रील बनाना क्या, हम तो सोशल मीडिया ही छोड़ देंगे। सच में मम्मी जी, लेकिन प्लीज। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तुमसे अच्छी लड़की मेरे कीर्तन को कभी नहीं मिलेगी। पर अफसोस, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, अब और कुछ नहीं कर सकती मैं। मैं चाहती हूं तुम और कीर्तन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर जिस प्यार को ना बड़ों का आशीर्वाद ना मिले वो प्यार कभी सफल नहीं होता बेटा। और मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूं, मैं एक बीवी हूं, एक बहू हूं। मुझे घर परिवार को साथ लेकर चलना होता है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे सिर्फ एक माँ की नहीं, एक बीवी की, एक बहू की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। इसलिए माँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं अपने बड़ों को निराश नहीं कर सकती बेटा। I'm sorry.
नहीं मॉम, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती मॉम। मैं रिमझिम से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मॉम मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, मुझे रिमझिम से शादी करनी है मॉम। मॉम अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं खुद को मार लूंगा मॉम। कीर्तन, प्लीज मॉम, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ मॉम, मुझे रिमझिम से अलग मत करो मॉम, प्लीज। मॉम मैं मर जाऊंगा मॉम, अगर मेरी शादी नहीं हुई चलो कीर्तन, चलो रिमझिम के बिना मर जाऊंगा मॉम। नहीं मॉम, आई लव रिमझिम मॉम। नहीं मॉम, आई लव रिमझिम मॉम। अगर मुझे रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम, मैं मर जाऊंगा मॉम, मैं मर जाऊंगा मॉम। अगर मुझे रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम, बहुत मुश्ताकी तुम शक्ति, खुद आओगी मेरे पास अपने घुटनों में चल के, नागरक्षों की भीख मांगोगी कि तुम्हारी शादी मैं शिव से करा दूं, ये मेरा वादा है तुमसे।